धार के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर एक में बीती रात डकैती की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे, उसी समय पुलिस ने 6 बदमाशों को हिरासत में लिया है। एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल व थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया है कि चराखान के पास कुछ अज्ञात डकैती की योजना बना रहे थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सभी को धर दबोचा। पूछताछ में बदमाशों ने औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की गई वारदात कबूल की है। पकड़े गए आरोपियों ने पिछले दिनों एक फूड कंपनी में हुई चोरी भी कबूली है। इनके कब्जे से 50 लाख की मशीनें, 2 आयशर वाहन, 2 पिकअप वाहन व 2 मोटरसाइकिल के साथ करीब 1,10,00,000 का माल बरामद किया है। फैक्ट्रियों में भंगार चोरी और वाहन चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदि प्रताप सिंह ने इसकी रोकथाम के लिए एक विशेष यूनिट बनाई थी, जिसमें लोकेश भदौरिया और एएसआई राजावत और उनकी टीम ने इसमें काम करना चालू किया। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गायला रोड पर कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो रेवा फूड प्रोडक्ट कंपनी में डकैती बनाने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ा तो 6 आरोपी उसमें मिले और छवों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो अभी तक 2 आइसर, 2 टाटा मैजिक और 2 मोटरसाइकिल और रेवा फैक्ट्री में विगत दिनों चोरी की 50 लाख रुपए कीमत की कीमत का मसूबा अभी तक बरामद कर लिया गया है। थाना किशनगंज, थाना पीथमपुर, थाना बेटमा में भी इन लोगों ने चोरी की वारदातें की हैं, जिसके लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा। कितने आरोपी पकड़े हैं? अभी तक 6 आरोपी पकड़े गए हैं। कुल कीमत कितनी होगी? 1,10,00,000 रुपए की कीमत के अभी तक मसूबा बरामद किया गया है। अन्य आरोपियों की भी सर तलाशी के साथ और भी कोई सम्मिलित है? इसमें जो भंगार बेचने काम कर भंगार लेने काम करते हैं उनको भी इन लोगों ने बताया है, उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। अच्छा सर, क्षेत्र में कई भंगारी इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनकी सर्चिंग होगी? सर्चिंग होगी और इनके आरोपियों के निशानदेही पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी अन्य मामलों में खुलासे होने की उम्मीद है। पीथमपुर से अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट।